हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखने वाला है स्नाइडर इलेक्ट्रिक एसीपी का ओवर करंट सेटिंग कैसे करना है। इसमें आपका ब्रेकर का मॉडल नंबर सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। ये 1250 एम्पीयर का ब्रेकर, यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ, देखिए IN 1250 लिखा हुआ है। IN मीन्स नॉमिनल करंट, ओके। अभी पहले हम लोग लॉन्ग टर्म सेटिंग देख लेंगे। इसमें देखिए IR और नीचे यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है, और नीचे देखिए इंटू IN। इसका मतलब है आपका लॉन्ग टर्म सेटिंग में जो कोई भी सेटिंग जब सेटिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल 0.8 में सेटिंग किया है, तो 0.8 इंटू आपको IN, IN क्या है 1250, ओके। सो 1250 इंटू 0.8 इक्वल टू 1000, सो IR सेटिंग आपको 1000 है, ठीक है। सो 1000 एम्पीयर में ये 1000 एम्पीयर करंट ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकर ट्रिप कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 800 एम्पीयर में ट्रिप करना है ब्रेकर, ओके। 800 एम्पीयर ऊपर जाएगा तो ब्रेकर ट्रिप करना है, तो क्या करना है आप 800 एम्पीयर डिवाइडेड बाई इसका नॉमिनल करंट के IN 1250, ओके। 800 डिवाइडेड बाई 1250 कितना आ रहा है 0.64, ओके। सो हम लोग यहाँ पे सेटिंग करेंगे 0., यहाँ पे 0.6 और 0.7 दिया हुआ है। 0.7 में सेटिंग करने से क्या है 800 एम्पीयर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग कम करके सेटिंग करेंगे तो 0.6 में सेटिंग करेंगे। सो 0.6 मतलब आपका 750 एम्पीयर सेटिंग है, ठीक है। सो 750 एम्पीयर ऊपर जाएगा तो ट्रिप मार लेगा। ये आपका टाइम सेटिंग है, सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो ओवर करंट सेटिंग है ना, फॉर एग्जांपल 800 एम्पीयर सेटिंग किया हुआ है, तो 800 में अगर लोड करंट जाता है तो मान लो आप 1 सेकंड में सेटिंग किया है, 1 सेकंड तक वो देखेगा, तो 1 सेकंड ऊपर ही वो करंट जाते रहेगा तो ट्रिप मार देगा ब्रेकर को। नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट टाइम सेटिंग करेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए इंट IR लिखा है, IR अपने कितना आया था 750, मतलब क्योंकि 0.6 में अपने सेटिंग है, तो 0.6 इंटू 1250 आपका 750 एम्पियर, ओके। सो IR इक्वल 750 एम्पियर है। यहाँ पे देखिएगा अगर मान लो आप 2 में सेटिंग किया है तो 2 इंटू IR, सो 2 इंटू 750, सो 1500 एम्पियर, ओके। सो शॉर्ट कोई भी शॉर्ट होता है तो 1500 एम्पियर ऊपर अगर जाएगा तो ये ट्रिप मार देगा। बगल में आपका टाइम सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। एक साइड में वाइट कलर दिया है, एक साइड में ब्लैक दिया है, ठीक है। वाइट कलर क्या है ट्रिपिंग का टाइम है, और जो ब्लैक में दिया है वो ओनली अलार्म देगा, ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको टाइम सेटिंग 0.2 में 0.2 सेकेंड है, ठीक है। आपका जो शॉर्ट टाइम करंट है 1500 एम्पियर, सो 1500 एम्पियर ऊपर अगर जाएगा 0.2 सेकेंड तक देखेगा, उसके बाद ब्रेकर को ट्रिप कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0.2 सेटिंग में रहेगा ब्लैक साइड में, तो 0.2 के ऊपर जो करंट जाएगा तो आपको अलार्म देगा, ट्रिप नहीं करेगा। ये आपका इंस्टेंट ट्रिपिंग है, ठीक है। कोई भी हेवी फॉल्ट हुआ तो तुरंत ट्रिप मारेगा, कोई भी टाइम डिले नहीं, तुरंत ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो नीचे देखिए इंटू IN, IN क्या नॉमिनल करंट, नॉमिनल करंट कितना 1250 एम्पीयर, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 में सेटिंग किया तो 2 इंटू 1250 कितना 2500, 2500 एम्पीयर सेटिंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर जाएगा तुरंत, इसको तुरंत ट्रिप मार देगा ब्रेकर। ये आपका ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है। ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग है, यहाँ IG लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ABCD करके दिया हुआ है। ये नीचे एक्चुअली स्टिकर चिपका रहता है नीचे, ये मतलब कितना एम्पियर है, बी मतलब कितना एम्पियर है। फॉर एग्जाम्पल ये 100 है, बी 200 है, सी 300 है, ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है। आप सेटिंग में बी सेटिंग किया है तो 200 एम्पियर, ओके। सो ग्राउंड फॉल्ट आपको 200 एम्पियर ऊपर अगर जाएगा, यहाँ पे देख टाइम सेटिंग दिया हुआ है, ये अगर जो पर्टिकुलर 0.2 सेटिंग है तो 0.2 सेकंड तक वेट करेगा, अगर 200 एम्पियर 0.2 सेकंड ऊपर ही तक जाएगा तो ट्रिप कर देगा ब्रेकर, ओके। इधर भी ऐसा ही है, वाइट कलर और ब्लैक कलर, ब्लैक कलर अलार्म है और वाइट कलर ट्रिपिंग है, ठीक है। अब ब्रेकर कोई भी ब्रेकर आप देखिए, यहाँ पे देखिए इंटू IR दिया हुआ है, यहाँ पे इंटू IN दिया है, वो आपको जो वैल्यू है उसका वैल्यू, वही वाला वैल्यू अप्लाई करके आप कैलकुलेशन करना है, ठीक है। थैंक यू।